अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने कहा कि बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा यूरोपा की सतह के नीचे खारे पानी के बड़े महासागर छिपे होने की संभावना है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यूरोपा के इन महासागरों में पृथ्वी के महासागरों की तुलना में दोगुना पानी मौजूद हो सकता है। इस पानी में जलीय सूक्ष्म जीवी जीवन होने की प्रबल संभावना है। नासा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से बताया कि अक्टूबर 2024 तक यूरोपा क्लिपर मिशन यूरोपा चंद्रमा पर भेजा जाएगा। आखिर यूरोपा चंद्रमा सौर मंडल में स्थित बाकी ग्रहों और उपग्रहों की तुलना में क्यों अलग है? क्या यूरोपा चंद्रमा हमारा दूसरा घर हो सकता है? नासा यूरोपा पर मिशन भेजने के लिए इतना बेताब क्यों है? इस मिशन के माध्यम से यूरोपा की सतह पर क्या क्या खोजे जाने की संभावना है, इस वीडियो में विस्तार में चर्चा करते हैं। यह सारी जानकारी बृहस्पति ग्रह पर और उसके चंद्रमा यूरोपा के अध्ययन के लिए भेजे गए गैलीलियो अंतरिक्षयान और जूनो अंतरिक्षयान एवं हबल वेव स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स वेव स्पेस टेलीस्कोप से जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर देने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। ब्रह्मांड में हमारी धरती के अलावा किसी अन्य ग्रह, उपग्रह या आकाशीय पिंड पर जीवन के कोई संकेत नहीं मिल पाए हैं। हमारे सौरमंडल से बाहर दूसरे तारामंडलों में स्थित एक्सोप्लैनेट्स या वाहक ग्रहों पर जीवन की संभावना को लेकर वैज्ञानिकों के दावे कहां तक सही हैं, हम नहीं जानते। यदि हम मान भी लें कि इन एक्सोप्लैनेट्स पर जीने के लिए सारी परिस्थितियां मौजूद हैं, फिर भी हम इन एक्सोप्लैनेट्स पर नहीं पहुंच सकते। ये वाह ग्रह पृथ्वी से इतनी अधिक दूरी पर है कि मानव को तो छोड़ो, आज की तकनीकी से हम किसी स्पेसक्राफ्ट को भी इन ग्रहों पर नहीं भेज सकते। हमारे सौरमंडल में धरती के बाद मंगल ग्रह पर जीवन तलाशने के लिए कई स्पेस मिशन किए जा चुके हैं और कई स्पेसक्राफ्ट मंगल ग्रह की सतह पर उतरकर बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी भी भेज चुके हैं। अगर बात करें मंगल ग्रह के वातावरण की, तो इसका वातावरण इतना विषम और अनिश्चितताओं भरा हुआ है कि यह वातावरण मनुष्य के लिए वैसा ही है जैसा कि बिना पानी के मछली। लेकिन वैज्ञानिक निराश नहीं है। बृहस्पति और शनि जैसे विशालकाय ग्रहों के चंद्रमाओं पर जीवन तलाशने में जुटे हुए हैं। इसी बीच नासा के वैज्ञानिकों ने बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा यूरोपा पर खारे पानी के भरे महासागरों का पता लगाया है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी से परे किसी प्रकार जीवन के लिए उपयुक्त वर्तमान वातावरण खोजने के लिए यूरोपा हमारे सौरमंडल का सबसे आशाजनक स्थानों में से एक है। बृहस्पति ग्रह के 90 से अधिक चंद्रमाओं में से यूरोपा 4 सबसे बड़े चंद्रमाओं में से एक है। यह ग्रह का 6ठा सबसे निकटतम चंद्रमा है। यूरोपा के अलावा बृहस्पति के अन्य 3 सबसे बड़े चंद्रमा आयु, गैनीमेड और कैलिस्टो पृथ्वी से परे खोजे गए पहले चंद्रमा हैं। इन्हें गैलीलियन चंद्रमा भी कहा जाता है, क्योंकि 7 जनवरी वर्ष 1610 में इटालियन एस्ट्रोनोमर गैलीलियो ने इन्हें पहली बार अपने घरेलू दूरबीन से देखा था। स्वतंत्र रूप से यूरोपा की खोज उसके अगले दिन 8 जनवरी 1610 को पंडुआ विश्वविद्यालय के एस्ट्रोनोमर साइमन मरियस द्वारा की गई। वर्ष 1973 और 1974 में पोयनियर 10 और पोयनियर 11 स्पेसक्राफ्ट को नासा द्वारा बृहस्पति ग्रह पर भेजा गया। पायोनियर द्वारा पहली बार यूरोपा की तस्वीर वर्ष 1973 में भेजी गई। हालांकि ये तस्वीर ज्यादा हाई रेजोल्यूशन की नहीं थी। फिर वर्ष 1979 में वॉयेजर 2 अंतरिक्षयान ने यूरोपा के पास से गुजरते हुए यूरोपा की बर्फीली सतह की अधिक विस्तृत हाई रेजोल्यूशन की इमेज भेजी। इन तस्वीरों ने कई वैज्ञानिकों को यूरोपा की सतह के नीचे पानी के विशाल महासागरों की संभावना के बारे में पता लगाने के लिए प्रेरित किया। वर्ष 1995 में गैलीलियो अंतरिक्षयान को बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं के बारे में विस्तार में जानने के लिए भेजा गया। इस अंतरिक्षयान ने वर्ष 2003 तक यानी 8 साल तक बृहस्पति ग्रह और इसके चंद्रमाओं सहित कैस्परा और इंडा सूत्र ग्रहों का अध्ययन किया। 5 अगस्त 2011 को जूनो अंतरिक्षयान नासा द्वारा बृहस्पति ग्रह पर भेजा गया, जिससे जूनो ऑर्बिटर ने वर्ष 2022 में यूरोपा के सबसे करीब 332 किलोमीटर की दूरी पर उड़ान भरी।
इस साल अक्टूबर 2024 में नासा द्वारा यूरोपा पर क्लिपर मिशन भेजा जाएगा। इसके बारे में वीडियो में आगे विस्तार में चर्चा करेंगे। यूरोपा मुख्य रूप से सिलिकेट चट्टानों से बना हुआ है, जिसकी बाहरी परत पानी से ढकी हुई है। इस परत की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है, जिसका ऊपर का हिस्सा बर्फ की सतह के रूप में और इसके नीचे दूसरा हिस्सा विशाल खारे पानी के महासागरों के रूप में बना है। यूरोपा की कोर लोहे और निकल की बनी हुई है। इसका वातावरण बहुत पतला है, जो मुख्य रूप से ऑक्सीजन से बना हुआ है। यूरोपा की सतह पर दरारें और काली धारियां बनी हुई हैं, लेकिन गड्ढे अपेक्षाकृत बहुत कम देखे गए हैं। यूरोपा हमारे सौरमंडल का सबसे अधिक चिकनी सतह का ज्ञात आकाशीय पिंड है, जिसमें पहाड़ों और गड्ढों जैसे बड़े पैमाने की विशेषताओं का अभाव है। इस चंद्रमा की सतह को ध्यान से देखने पर हमें इसकी सतह पर काली धारियों की एक श्रृंखला देखने को मिलती है, जिन्हें लाइंस कहा जाता है। बारीकी से अध्ययन करने के बाद पता चला कि यह दरारों के दोनों ओर बर्फ की परत के किनारे एक दूसरे के सापेक्ष खिसक गई हैं। यह दरारें लगभग 20 किलोमीटर चौड़ी हो सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि यह लाइंस गर्म बर्फ के विस्फोटों की एक श्रृंखला द्वारा निर्मित हुई थी, क्योंकि यूरोपा चंद्रमा की कोर अत्यधिक गर्म होने के कारण यह बर्फ की सतह के नीचे पानी को तरल रूप में रखती है, और पानी की ज्यादा गर्मी से ऊपर की सतह पर बर्फ में विस्फोट हो जाते हैं, जिससे इस तरह की गहरी दरारें बन जाती हैं, जहां प्रकाश नहीं पहुंच पाता और यह लाइंस या दरारें काली दिखाई देती हैं। अगर बात करें यूरोपा के तापमान की, तो यूरोपा की सतह का तापमान लगभग -160 डिग्री सेंटीग्रेड और इसके ध्रुवों पर तापमान लगभग -220 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। नवंबर 2011 में टेक्सास विश्वविद्यालय ऑस्टिन के खोजकर्ताओं ने एक पेपर पब्लिश किया, जिसमें बताया कि यूरोपा की सतह पर कई अराजक इलाके मौजूद हैं। यह भूभाग पानी के विशाल झीले हैं। ये झीलें पूरी तरह से यूरोपा के बर्फीली बाहरी आवरण से घिरी हुई हैं, जो इमेज में यूरोपा की सतह पर छोटे बड़े धब्बे से दिखाई देते हैं। यूरोपा चंद्रमा का व्यास 3130 किलोमीटर है, जो पृथ्वी यानी हमारे चंद्रमा से थोड़ा सा छोटा है। यूरोपा बृहस्पति ग्रह से 671,000 किलोमीटर दूर एक गोलाकार कक्षा में रहकर बृहस्पति ग्रह की परिक्रमा कर रहा है। इसके कमजोर वातावरण में ज्यादातर ऑक्सीजन की मात्रा है और हाइड्रोजन गैस की सूक्ष्म मात्रा में मौजूदगी है। यूरोपा के वायुमंडलीय सतह का दबाव पृथ्वी की तुलना में लगभग 100 अरब गुना कम है। इस वर्ष यानी 10 अक्टूबर 2024 को नासा द्वारा यूरोपा पर क्लिपर मिशन लॉन्च किया जाएगा, और यह स्पेसक्राफ्ट वर्ष 2030 तक यूरोपा के नजदीक पहुंचेगा। यह एक ऑर्बिटर टाइम मिशन होगा, यानी इस मिशन के दौरान स्पेसक्राफ्ट यूरोपा की सतह से महज 25 किलोमीटर ऊंचाई पर जाकर लगभग 50 चक्कर लगाएगा और लगभग पूरे चंद्रमा को स्कैन करने के लिए प्रत्येक उड़ान एक अलग स्थान से भरेगा। इससे स्पेसक्राफ्ट में अलग अलग तरह के वैज्ञानिक उपकरण लगाए जाएंगे, जो यूरोपा पर जीवन के साक्ष्य खोजने का प्रयास करेंगे। अगर बात करें इन उपकरणों की, तो इसमें पहले नंबर पर आता है यूरोपा थर्मल एमिशन इमेजिंग सिस्टम या ईथेमिस। यह उपकरण भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय जगहों का पता लगाने में मदद करने के लिए यूरोपा की सतह की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें धरती पर भेजेगा। नंबर दो पर आता है यूरोपा इमेजिंग सिस्टम या EIS। यह एक अत्याधुनिक कैमरा होगा, जो यूरोपा को 50 मीटर रेजोल्यूशन पर मैप करेगा और 20 इंच रेजोल्यूशन की इमेज धरती पर भेजेगा। नंबर तीन पर आता है मैपिंग इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर या MISC। इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से यूरोपा की सतह पर ऑर्गेनिक्स जैसे एमिनो एसिड, लवण, एसिड हाइड्रेट्स, जल बर्फ चरणों की पहचान और मैपिंग करेगा। उसके बाद में आता है यूरोपा अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोग्राफ या यूरोपा UVS। यह उपकरण यूरोपा के वायुमंडल की संरचना और गतिशीलता की बारीकी से जांच करेगा। अगला उपकरण है यूरोपा क्लिपर मैग्नेटोमीटर या ESM। यह उपकरण यूरोपा के चुंबकीय क्षेत्र को मापेगा, जिससे वैज्ञानिकों को यूरोपा की उपसतह में समुद्र की मौजूदगी और बर्फ की चट्टानों की मोटाई के बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है चुंबकीय ध्वनि मापने के लिए प्लाज्मा उपकरण या PIMS।
यह डिवाइस प्लाज्मा धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को चिन्हित करके यूरोपा के आसपास प्लाज्मा को मापेगा। इसमें यूरोपा की सतह के नीचे महासागरों की वास्तविक गहराई, पानी की लवणता और वायुमंडल और आयन मंडल की मौजूदगी की जांच करेगा। अगला उपकरण का नाम है ग्रहों की खोज के लिए मास स्पेक्ट्रोमीटर या मास टैक्स। मास टैक्स उपकरण यूरोपा के अत्यंत कमजोर वातावरण और सतह से अंतरिक्ष में उत्सर्जित किसी सामग्री की जांच करेगा। इस उपकरण का उपयोग मंगल ग्रह पर भेजे गए कसीनी अंतरिक्ष यान में भी किया जा चुका है। अगला उपकरण है सतही धूल विश्लेषक या SUDA। यह उपकरण यूरोपा की ठोस सतहों को मापेगा, जिससे यह सतह पर मौजूद कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों की जांच करेगा। अतः इस तरह के उपकरणों से सुसज्जित क्लिपर स्पेसक्राफ्ट को यूरोपा के पास भेजा जाएगा। बृहस्पति ग्रह के यूरोपा चंद्रमा पर अब तक इस बात का कोई ठोस प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं कि यहाँ जीवन मौजूद है, लेकिन यह चंद्रमा सौर मंडल के संभावित जीवन धारण करने योग्य जगहों में सबसे ज्यादा उम्मीद के रूप में उभरा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यूरोपा के समुद्र तल पर जीवन शैवाल और बैक्टीरिया के फॉर्म में हो सकता है, जिस कारण पृथ्वी के समुद्र में करोड़ों वर्ष पहले जीवन की शुरुआत हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन जैसे तत्वों से मिलकर बैक्टीरिया और शैवाल के रूप में हुई। हमारी धरती पर जीवन कैसे आया, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, इससे संबंधित एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल में अवेलेबल है। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो टॉपिक पर वापस आते हैं। यूरोपा की सतह पर बर्फ होने के कारण यह हमारे चंद्रमा से लगभग 5.5 गुना अधिक चमकदार है। यूरोपा हमारी धरती से लगभग 62.8 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। सूर्य की रोशनी को यूरोपा तक पहुंचने में लगभग 35 मिनट का समय लग जाता है। यूरोपा की सतह के नीचे समुद्र में बेसभी तत्व मौजूद हो सकते हैं जिनके द्वारा जीवन की शुरुआत होती है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन। अतः इन सभी तत्वों और यूरोपा की परिस्थितियां, वातावरण आदि के बारे में जानने के लिए नासा क्लिपर मिशन लॉन्च कर रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या यूरोपा पर जीवन धारण करने योग्य परिस्थितियां हैं या नहीं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति वाला वीडियो जरूर देखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।